बात करेंगे मेवात जिले के घागस और उसके आसपास के गांव की, जहां पर लोग पिछले कई दिनों से बिजली की कमी से परेशान हैं। बिजली सप्लाई बाधित होने से ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, फसलों की सिंचाई से लेकर पीने के पानी और पशुओं तक को पानी नहीं मिल पा रहा। गाँव वालों ने बिजली चालू करने के लिए कर्मचारियों पर रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। गर्मियों की शुरुआत हो गई है, ऐसे में बिना पानी और बिजली के रहना कितना मुश्किल होता है तो हम सभी जानते हैं। वहीं मेवात जिले के घागस और उसके आसपास के गांवों में लोगों को करीब 12 दिनों से ना ही बिजली मिल रही है और ना ही पानी। पानी न मिलने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना पानी के टमाटर की फसल भी सूख कर खराब हो रही है, तो वहीं लोगों को पीने तक के पानी की भी परेशानी हो रही है। आइए इन ग्रामीणों की परेशानी का हाल इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 10-12 दिन हो गए जी आंधी आई थी, उससे खंभे टूट गए और खंभे टूटने के बाद हम बिजली वालों के पास गए, भाई इनको ठीक कर दो, हमने खेती बो रखी है टमाटरों की और वो सूख रही है। हम वहां गए तो उन्होंने हमसे रिश्वत मांगी। कोई जो फोरमैन है, एक अब्दुल नाम का फोरमैन, उन्होंने हमसे 15,000 रुपये मांगे। फिर हमने गाँव में मशवरा किया कि भाई हम 15,000 तो किसी पर पैसे नहीं उपड़े, ना किसी ने दिए। हमने आगे अप्रोच लगाई, उन्होंने गौर नहीं दिया, इसलिए कि हम बिल्कुल परेशान हैं। रात को छोटे छोटे बच्चे तिमिलाते मच्छरों से और पशुएं बिल्कुल परेशान हैं जी, जो मतलब पानी से और दूर दूर 3-3 किलोमीटर ले जा रहे हैं वहां पानी पिलाने के लिए। आपको बता दें कि करीब 12 अप्रैल को आए तूफान से कई बिजली के खंभे पूरी तरह टूट गए थे। तब से ही इन लोगों को बिजली और पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन जब इस परेशानी से जूझ रहे लोगों ने बिजली कर्मचारियों से बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की, तो उन्होंने रिश्वत के तौर पर 15,000 रुपए ही मांग लिए। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इन गांव वालों की परेशानी का हल कब तक निकलता है, या फिर ग्रामीणों को इस गर्मी में अभी कुछ और दिन बिजली पानी का इंतजार करना होगा। मेवात से कशीम खान की रिपोर्ट।